बैक टू माई चैनल। तो मैं आज आपको 2 जुलाई 2022 के द हिंदू में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए वो बताने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। पहला आप ये आ जाइए, इसमें आपको ये पढ़ना है GST रेवेन्यू से रिलेटेड। ठीक है, GST रेवेन्यू सरप्लस 1.44 लाख करोड़, ये पढ़ना है इंडिया। तो आपको ये पढ़ना है, इस पर ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने रिकॉर्ड किया है सेकेंड हाईएस्ट मंथली ग्रॉस GST रेवेन्यू। ठीक है, तो इंडिया ने क्या रिकॉर्ड किया है, सेकेंड हाईएस्ट मंथली ग्रॉस जो GST रेवेन्यू है जुलाई में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है ये वाला, इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं और क्या इम्पॉर्टेंट है। आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा नहीं है जो हमें कवर करना है, बहुत कम है, तो इसे देख लेते हैं। इसमें ये देख लीजिए, दूसरा है, फर्स्ट कॉपी ऑफ तमिल बाइबल स्टोलन फ्रॉम सरस्वती महल ट्रेस टू लंदन। ठीक है, तो फर्स्ट कॉपी जो है तमिल बाइबल की, वो क्या हो गई, चोरी हो गई, और उसका जो उसको ट्रेस किया किया गया है लंदन में। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है, देख लीजिए, द आइडल विंग CID सेज बाइबल लॉस्ट इन 2005 विल बी ब्रॉट बैक सून। तो बता रहे हैं कि जो आइडल विंग है CID ने ऐसा बोला है कि बाइबल जो 2005 में लॉस हुई थी उसको जल्द ही वापस लेके आएंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना, देख लीजिए, कॉपी तो यही है सेम, कि कॉपी ऑफ जो कंसीडर्ड द फर्स्ट तमिल ट्रांसलेटेड बाइबल जिसको कहा जाता है, वो सरस्वती महल लाइब्रेरी से चोरी हुआ। ठीक है, सरस्वती महल से चोरी हुआ तंजावुर से, और ट्रेस किया गया आइडल विंग CID टू लंदन से। ठीक है, फर्स्ट रिपोर्टेड 2005 में था ये केस। ठीक है, क्लोज हो गया था विदाउट एनी प्रोग्रेस। ठीक है, तो फिर से ये चीज़ बात की जा रही है कि वापस लाया जाएगा, तो ये याद रखना है। ठीक है, पूछ सकता है आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में इसको पूछ सकता है, आर्ट कल्चर में। ठीक है, इसको पूछ सकता है। आगे देख लेते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, रीसेट मोड, ठीक है, ये पढ़ना है, GST मेमोरेंडम से रिलेटेड, GST मेटामॉर्फोसिस से रिलेटेड है ये रीसेट मोड, ये वाला एडिटोरियल में आपको पढ़ना है। ओके, तो आज आपने देखा होगा कि इसके बाद हमें ये पढ़ना है, सेलिब्रेटेड डिप्लोमैट सतिंदर लांबा पासेस अवे एट 81। ठीक है, तो ये जो सेलिब्रेटेड, ठीक है, सॉरी, जो एक सेलिब्रेटेड डिप्लोमैट हैं सतिंदर लांबा, उनकी डेथ हो गई है, वो 81 ईयर्स ओल्ड थे, अभी 81 ईयर्स के थे, तो उनकी डेथ हो गई। ही वर्क टू नॉर्मलाइज टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि क्या किया था इन्होंने, इन्होंने नॉर्मलाइज किया था टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टाइज जो हैं उसको इन्होंने नॉर्मलाइज किया था, सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया था, इसके लिए इनको जाना जाता है। थॉट इज करियर एज द डिप्लोमैट बोथ बिफोर एंड आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। जो सतिंदर के लामा हैं, सती टू मोस्ट, हु पासिस अवे ऑन थर्सडे में इनको डेथ हुई इनकी। ठीक है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में हुई, एट द एज ऑफ 81। ठीक है, लिगेसी ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप विथ ईच कंट्री ही सर्व्ड इन। ठीक है, एक अच्छा रिलेशन उन्होंने बनाया, बट इन हिज एंगेजमेंट विद पाकिस्तान दैट लास्टेड द लॉन्ग, पर पाकिस्तान के साथ जो था वो ज़्यादा समय तक रहा। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी है, और ये किस टाइम पे था, जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम पे। ठीक है, 2005 से लेके 2014 तक कि वैन, और ये भी देख लीजिए इनके बारे में क्या बताया जा रहा है। इन अ मैसेज मिस्टर सिंह कॉल्ड मिस्टर लांबा वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग मेंबर्स ऑफ द इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो मनमोहन सिंह जी ने ये भी बोला था कि वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विस में ये रहे हैं, इनका नाम उन्होंने ऐसा इनके लिए ये चीज़ बोली थी। वो हैड वर्कड विद अटमोस्ट डिवोशन टू द नॉर्मलाइज्ड इंडिया पाकिस्तान टाइज। ठीक है, तो ये अच्छी एक लाइन और बोली इनके बारे में कि अटमोस्ट डिवोशन टू नॉर्मलाइज इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। ठीक है, तो ये भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट बताया। ग्रीव एट द पासिंग
अवे ऑफ द एम्बेसडर सती लांबा भी इनको कहा जाता था, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ आवर मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमैट एंड रियल मेंटोर टू जनरेशन दैट केम आफ्टर हिम, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर रोट ऑन अ ट्विटर, तो एस जयशंकर ने भी इनके बारे में चीज़ें लिखी। तो ये इन्होंने अच्छे से कंट्री को सर्व किया एज अ फॉरेन मिनिस्टर, तो ये भी इनके बारे में एक उपलब्धि है। इसके बाद क्या देखना है, DRDO कैरीड आउट टेस्ट फ्लाइट टू ऑटोनॉमस UAV। तो DRDO क्या करने वाली है, DRDO फ्लाइट जो बताया जा रहा है कि टेस्ट करेगी, कैरीज आउट टेस्ट फ्लाइट ऑफ ऑटोनॉमस UAV का। इट वाज डेवलप्ड इन बेंगलुरु यूनिट। इसको कहाँ डेवलप किया जा रहा है, देख लीजिए, बेंगलुरु यूनिट पे डेवलप किया जा रहा है। DRDO का फुल फॉर्म आप सबको पता ही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO ने फ्राइडे को सक्सेसफुली कैरी आउट किया मैदान टेस्ट फ्लाइट ऑफ अ न्यू अनमैंड एरियल व्हीकल। UAV का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, अनमैंड एरियल व्हीकल, ठीक है। तो इन्होंने फ्राइडे को सक्सेसफुली रीड आउट किया मैदान टेस्ट फ्लाइट को, ठीक है। तो ये चीज़ थी, तो ये भी हो गया। तो आज की द हिंदू के एनालिसिस में हमें बस इतना ही पढ़ना था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज ज़्यादा नहीं था, तो हमको बस इतना ही पढ़ना था। फिर मैं आपको शॉर्ट नोट के टाइम पे मिलती हूँ, ठीक है, फिर प्रोवाइड कराती हूँ। और अगर आपको वीडियो जो ये मैं एनालिसिस प्रोवाइड करती हूँ द हिंदू का वो पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।